तो गाइज़ आज हम बनाने जा रहे हैं थाली डेकोरेशन। व्हीट फ्लोर के साथ हम उसके सारे चीज़ें बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम व्हीट फ्लोर लेंगे। हमें व्हीट फ्लोर का एक गोला बनाना है फर्स्ट। तो हमें एक अच्छा रोटी बनाने के लिए साइज़ का गोला चाहिए। तो हमने ये आटा लिया है। मैं मेजरमेंट आपको दे नहीं सकती। आई थिंक मे बी 4 टेबल स्पून होगा ये। देन विल टेक टर्मरिक अराउंड 2 टीस्पून। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गणपति आ रहा ना, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। तो इट्स गुड दैट वी मेक सम मोर ऑर्डर। हम थोड़ा इसमें पानी डाल के मिक्स करके देखेंगे। अगर ऐसा लगा और थोड़ा हल्दी चाहिए तो हम और ले सकते हैं। ऐसे गूंथते गूंथते सॉफ्ट करते हुए। अच्छा आटा गूंथते ना, हमें वैसा गूंथना है। और थोड़ा तेल भी डाल के गूंथोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। यू कैन मेक द डिजायर शेप्स, व्हाट एवर शेप्स यू वांट यू कैन मेक इट। गाइस ये देखिए हमने रोल, ये देखिए हमने डक बना लिया। थोड़ा सा तेल लेंगे और इसको लगाएंगे। इसको एक अच्छा सॉफ्ट डो बनाएंगे। अच्छा सॉफ्ट डो बन गया। रोटी का हम डो बनाते वैसे। अब इसका हमें कम से कम इतना एक गोला लगेगा रोटी बनाने के, बराबर। और बाकी का कुछ डेकोरेशन आगे का करने के। तो इसे हम अलग रख देंगे, इसको वॉश कर लेंगे। अब सेकेंड डव की तैयारी करेंगे। तो गाइस हम सेकेंड डव ये धो लिया मैंने। उसके लिए हमें कभी काउंट नहीं किया, 3, 4, 5। ये थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि इसका हमें फ्लावर्स बनाने। तो एक कलर ये कुमकुम है, ये कलर ले रही हूँ मैं 7-1। एंड इसके साथ ही थोड़ा सा मैं बस पिंक कलर का मैं इसको भी थोड़ा डालूँ। और इसमें अगेन वैसे ही हम एक अच्छा डो बना लेंगे। पानी डालूंगी अभी, एक डव बना लूंगी। अब इसका एक डव बना लेते हैं। तो गाइस अब ये बन गया। इसमें थोड़ा तेल लगाएंगे, थोड़ा शाइनी अच्छा बन जाता है। ये देखिए तो गाइस जैसा बिकम अ नाइस सॉफ्ट डो। हम इसको निकाल लेंगे। अब इसको वॉश करके दूसरा डो बनाने की तैयारी करेंगे। तो गाइस इसमें मैंने 2 टीस्पून आटा ले लिया। इसमें 1/2 टीस्पून हम कुमकुम डालेंगे, रेड कलर का कुमकुम। मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको। अगर थोड़ा सा हमें लगे डार्क हो रहा है, हम थोड़ा आटा और डाल सकते हैं। इसे देखिए इसका हम अच्छा एक गोला बना के थोड़ा आटा मुझे लगने लगेगा तो हम थोड़ा आटा डालेंगे। एक अच्छा गोला बना लेंगे, डव बना लेंगे। गाइस ये हमने गोला बना लिया। थोड़ा तेल इस पर भी डालेंगे शाइन आने के लिए। ये ऐसे हमने इसका गोला बना लिया। ये भी डेकोरेशन के लिए आएगा। तो देखिए अब हम लास्ट बनाएंगे, दैट इज़ 1 more डव है जो हमें फूड कलर से बनाना है, ग्रीन कलर। अब वो बना लेंगे। तो गाइस ये बन गया। इसमें भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे। इसमें और अलग अलग ग्रीन मिलता है, ऑलिव ग्रीन, डार्क ग्रीन। हमारे पास यही था तो हमने ये यूज़ कर लिया। तो इसका भी डव बन गया है। सो गाइस अब रेडी करेंगे हम एक सब चीज़ एक के पीछे, ठीक है? डन। चीज़ें डेकोरेशन के लिए लगने वाले बना लिए। हमने जो गोला है उसको ऐसे बना लिया है। इसमें एक आपको एक प्लेट लेना है, नीचे टॉवल रख लेना और इसको हमें रोटी की तरह बेलना है। आपकी जो थाली आप डेकोरेट करना चाहते हो उस साइज में आपको उसे बेलना है, जो भी साइज होगा। इसको एक गोल रोटी की तरह बेल के फिर हम मिलते हैं। हमें इसे सब जगह से थोड़ा थोड़ा करके बेलना है।
मोटा चाहिए तो मोटा कर लो थोड़ा सा, बट एकदम पतला मत करो। अभी और थोड़ा ले लेंगे हम इसे। तो गाइस ये हमने बेल लिया, तो इस ये जो है ना इसको हम उठाएंगे, ये वाला साइड इसमें चला, इसको आपको इसमें डालना, इसको पूरा आपको ऐसे कवर करना, सारा पुल कर लेना आप सब जगह से, इसको ऐसे आप कवर करना। ये देखिए इसको पुल कर कर करके हम इसको पूरा कवर कर लेंगे। तो गाइज ये जैसे कर रही है तो आपको सब जगह ऐसे प्लेट को पूरा कवर कर लेना, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट प्रोसीजर में चलते हैं। ये कटोरी हमें बीच में रखना है। इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट मेक अ होल एंड रिमूव इट, या तो ऐसे ही आप रख सकते हो, लेट इट बी हियर, ओके। अब हम उसका बाकी का साइड का क्या है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। आधा करेंगे कुछ इस तरह, इसे इसे इधर रखेंगे, उसके बाद इसे गोल 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 घुमाएंगे, राउंड से बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से, फिर हम ऐसे से प्रेस करेंगे ऐसे, देखिए। उसके बाद हम इसे ऐसे ऐसे और थोड़ा प्रेस करेंगे ऐसे ऐसे और थोड़ा, तो ये ऑलमोस्ट हमारा पेटल बन गया सी। बस इधर से आपको थोड़ा सा बस थिकनेस कम करना है। हाँ ये बन गया हमारा पेटल। ऐसे हम बहुत सारे बना देंगे और इस कटोरी से चिपका कर पूरा एक फ्लावर बना देंगे। इसे अच्छे से चिपका दो तो अच्छा रहना। तो, और फिर हम ये दूसरा गोल भी दिखा देते हैं। देखिए ये मैंने गोल बना दिया सी। अभी हमें इसे ऐसा लेकर ऐसे बस आपको ध्यान रखना कि ज्यादा थिक ना हो। ऐसे हम पूरा बाउल को कवर करके मिलते हैं। तो अभी हमने ये लेयर खत्म कर दिया है, जैसे आप देख सकते हो, देखो कितना सुंदर लग रहा है। अभी हम लेंगे डव, जो हमने इस बॉल इस फ्लावर के लिए बॉल बनाया था उससे हमें छोटा बनाना है ये वाला फ्लावर। तो अभी मैं इसका आधा भी कर लेती हूँ। अब हम इसका गोल बना देंगे। देखिए गोल बन गया। अब हम वही मेथड फॉलो करके इसे हम वही पॉइंट शेप जैसे दे देंगे कुछ इस तरह। और इन दोनों फ्लास्क के बीच में हमें इसे चिपकाना है। देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा सनफ्लावर का लुक आ जाएगा। देखिए इसके बीच में ऐसे हमें पूरा बॉल ख़त्म करके हम आपसे मिलते बाद। ये सेकेंड लिए बना लिया, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। अब अगर आपके पास और डव बचा है तो आप थर्ड लेयर फोर्थ लेयर ऐसा कर सकते हैं, और उसके बीच में आप दिया भी रख सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे लीव्स, उसके लिए हमें चाहिए ग्रीन कलर का डव। पता है कि इसका हमें लीव्स बनाना है। एक तो आप इसको पूरा बेल सकते हो एंड लीव के शेप में कट कर सकते हो,
या दूसरा यू कैन टेक अ स्मॉल दिस वन बॉल, एकदम छोटा, इसको आप ऐसे दबा लेना और एकदम पॉइंटेड, ऐसे लीफ का शेप भी बना सकते हो, एक बिंदी या लीफ का शेप में इसको आप ऐसे इसके बीच में रख सकते हो। सेम यही शेप का ये आ जाएगा, वो भी अच्छा दिखेगा। ऑप्शन है आपके पास, हम ये कर रहे हैं, आप लीफ शेप का, आपको लीफ बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हो। बना लिया है, अब हम बनाएंगे इसका बॉर्डर। उसके लिए आपको कोई भी, हमने जो लाल आटा बनाया था हमने वो लिया है, और ये जब आप ये करते हो तो थोड़ा आप हाथ में तेल ले लेना, सी मैंने भी लिया है, और अपने गोल करते वक्त ऐसे अपने हाथ पे बस डाल देना। अभी हमें इसका बड़े बड़े स्ट्राइप्स बनाने, दिखाती हूँ, बहुत हमें पतले भी बनाने उसे। इसे आप स्ट्रेच स्ट्रेच करके डाल दो, ऐसे हम पूरा खत्म करते हैं। पूरा खत्म करने के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये बॉर्डर लगा दिया सर्कल में, आपको इसे चिपकाना, ये ध्यान में जरूर रखिए, अगर आप मेरे जैसे छोटे छोटे पार्ट कर रहे हैं तो जॉइंट्स दिखने नहीं चाहिए, ऐसा लगने चाहिए मतलब एक पार्ट है वो। और अगर आप मेरे बड़ा ले रहे पूरा एक साथ तो आपको ये करने का कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बस इसे थोड़ा टैप किया थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए। तो गाइस ये जो रेड बचा हुआ है हम इसका एक छोटा ऐसा ले लेंगे पीस, इसको ऐसे रोल करेंगे, जस्ट अच्छा सा सर्कल बनाएंगे, उसका बीच में ऐसा ऐसा कर देंगे बस, और इसको रख देंगे। रख कहाँ रखना, उधर रख, इधर रख देंगे। उसके बाद साबुदाना ले दो, और उसके बाद आपको ये एक साबुदाना लेकर इसके बीच में डालना, देखो ऐसे ऐसे हम पूरा गोल कर देंगे। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अभी हमने इसे कंप्लीट कर दिया, हमने साबुदाना इस गोल्स के ऊपर लगा दिया, अब हम इस फ्लावर्स के ऊपर भी साबुदाना लगा देंगे, जैसे आप देख रहे हो, दिखा देती हूँ, ऐसे ऐसे हम इसे पूरा कवर कर देंगे। हम बॉर्डर पे भी वही करने वाले हैं, बट बॉर्डर पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है, डायमीटर एंड ऑल थोड़े से हटे। ऐसे हमें इसे पूरा कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। तो अभी हमने बॉर्डर बना लिया, अब हम लीव्स के ऊपर चिपकाएंगे। उसके पहले मैं बता दूँ कि ये सब जो भी हमने अभी किया है ये साबुदाना के साथ, ये ऑप्शनल है, हमने इसके लिए किया था क्योंकि ये अगर आप देख सकते हो तो ये थोड़ा पर्ल का लुक है। तो अब हम लीव के ऊपर करते, तो देखें ऐसे हमें करना है, ऐसे हमें पूरा ख़त्म करके मैं आपसे मिलती हूँ। साथ में हमें ये हमारे पास येलो आटा बचा हुआ है, तो हम सोच रहे इसका दिया बना लें। तो दिया बनाने के लिए सेम आपको मोटर जैसे इसको सब जगह से ऐसे करना है, दिया का वाटी क्या बोलते हैं कटोरी शेप में, एंड अगर आप चाहते हो ऐसे इसको थोड़ा डीप कर लो, यहाँ से ऐसे लगा दिया का शेप, हम ऐसे दिया का शेप बना रहे हैं और इसके बीच में ऐसे हम रख देंगे, इस पर से चिपका देंगे। चिपकाने के लिए आप गीला आटा ले सकते हैं, इसके नीचे आप थोड़ा गीला आटा लगा के चिपका सकते हो,
पूरा थाली डेकोरेशन इट्स ओवर। एंड एक्चुअली मैं स्कूल का प्रोजेक्ट था एंड मोस्टली इको फ्रेंडली, आप कह सकते हो ओनली फूड कलरिंग एक ऐड हो गया है। एंड ये सारा जो चीज़ है वो आपको घर में मिल जाता है आराम से, बस आपको फूड कलरिंग लेना पड़ता है जो 20 रुपीज़ में मिल जाता है आराम से। और कोई भी स्टोर में आपको ये फूड कलरिंग 20 रुपीज़ में आराम से मिल जाएगा। सो डू इट्स ऑप्शनल, सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई मॉम्स चैनल लक्ष्मी बी अय्यर।